मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये मोड्स है, और उसका पहला पॉइंट है कि अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, डिस्चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे सिंपल और पहला तरीका, काम को पूरा करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है ना। तो देखो, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पॉइंट है बाय परफॉर्मेंस। क्या लिखा है इसमें देखो, इफ बोथ पार्टीज to the contract have performed what they have agreed to do, the contract is discharged. मतलब उनका जो obligation था, जो liability थी उनकी एक दूसरे के लिए, वो अब क्या हो गई? खत्म हो गई. Performance of obligation, obligation means काम है ना. Performance of obligation by parties to the contract puts an end to the contract. इससे contract क्या हो गया? खत्म हो गया. Puts an end to the contract. देखो बहुत सिंपल था. डाउट है किसी को इसमें, परफॉर्मेंस वाले में? नो मैम. ठीक है, नेक्स्ट देखो. अब एक डिस्चार्ज है म्यूचुअल कंसेंट के साथ. म्यूचुअल कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ म्यूचुअल कंसेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट है ना. म्यूचुअल कंसेंट में क्या आता है? क्या होता है म्यूचुअल कंसेंट? आपसी वो क्या बोलेंगे, मतलब जो एक दूसरे के साथ वो कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं भाई? सेटलमेंट, म्यूचुअल कंसेंट, एक दूसरे की रजामंदी. यस मैम, आपसी रजामंदी कर लेते हैं. हाँ देखो, अब इसमें ये तो फर्स्ट था. इसका एग्जाम्पल देखो, ये वाला देखो. कल एक एग्जाम्पल क्या था ना कि ए और बी क्या कॉन्ट्रैक्ट है, फ्लाईओवर बनाएंगे, बट बी क्या करता है इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और ए उसको कंसिडरेशन देता है ना. तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग एग्जाम में, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस फर्स्ट वाले का, कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फ्लाईओवर बनाने का, ए ने बना दिया, बी ने उसको पैसे दे दिए. इट मीन्स बोथ पार्टीज परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स what they promised to do in the contract. Thus the contract is came to an end by the performance. तो आप लोग एग्जाम में देखो ऐसे ही लिखते हैं पॉइंट्स को. जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक उसकी मीनिंग लिखी तीन लाइन में है ना, फिर उसका एक ये एग्जाम्पल दिया. इतना आ रहा है समझ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है? नेक्स्ट देखो, म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगा. इसमें सबसे पहला क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62-64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में देखो क्या दिया, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेट यानी खत्म या डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एक्सप्रेस, मतलब दोनों की तरफ से, और इम्प्लायड एग्रीमेंट, मतलब कुछ ऐसा होना उन दोनों के बीच में जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, खत्म. अब इसमें पहला देखो, बाय नोवेशन. नोवेशन मीन्स क्या होता है बताओ? नोवेशन मीन्स पुराने की जगह पे नए कॉन्ट्रैक्ट को लेके आना. मीनिंग आ रहा है समझ में? यस मैम. नोवेशन का मतलब है पुराने की जगह पे नए कॉन्ट्रैक्ट को लेके आना. देखो, If the parties to a contract agree to substitute, देखो कर रहा है, substitute a new contract, ठीक, और उसको change कर रहा है या उसको alter कर रहा है, the original contract need not to be performed. The original contract need not to be performed. Original का मतलब जो पहले वाला है, और novation से जो अभी हम new contract लिखे हैं. That means when a new contract is substituted for an existing contract. ठीक है, तो इसको बोलते हैं नोवेशन. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. आया समझ में? यस मैम. आप देखो इसमें Wiping out all the original contract as well as the creating of new valid contract. ये इसका सिंपल सा मीनिंग है. ठीक, नेक्स्ट देखो.
नोवेशन अब दो तरीके से हो सकता है, ठीक। देखो कैसे दिया है, न्यू पार्टी आ जाए पुरानी की जगह, मतलब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उनमें से क्या हो रहा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो म्यूचुअली बी हट रहा है और सी एंटर कर रहा है, तो न्यू पार्टी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन। देखो एग्जाम्पल, ए ओ मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी एंड सी दैट B shall henceforth accept C as his debtor. ये debtor होना चाहिए instead of A. ये गलत है, spelling है ना, ये debtor है। तो देखो अब A से money कौन देगा, A को देना था B को, लेकिन अब कौन देगा उसको, C देगा, किसको देगा, B को। Next, second देखो, novation में एक तो old parties को substitute कर सकते हैं, अब next देखो क्या लिखा है, पार्टीज में सब्सटीट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। पहली वाली कंडीशन में इनोवेशन में क्या हो रहा था कि पार्टीज चेंज हो रही थी, अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, देखो पेपर वर्क चेंज हो रहा है, ए ओ बी रुपीज 10,000, ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ बी एंड गिव्स बी अ मॉर्टगेज ऑफ हिज एस्टेट। मॉर्टगेज क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होता है बताओ, गिरवी, गिरवी रखना होता है, मॉर्टगेज है ना। देखो उसमें तो इस एग्जांपल को कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, कोई भी, क्या कितना इजी लैंग्वेज दिया है, क्या है इसमें एक्सप्लेन करने में, श्रद्धा, प्रथम, प्रशांत, ऋषिक, कौन, कोई भी एक्सप्लेन करो, अदिति,